कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कैसे सबको अच्छे से अभ्यास के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, पिछले वाले के लिए भी और आने वाले के लिए भी, क्योंकि अभ्यास का पीछा नहीं छूटेगा, अभ्यास निरंतर करना होगा। आज थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन कल आप लोग याद करेंगे, यू विल रिमेम्बर कि लग के अभ्यास कर लिया था तो आज जान छूट गई बड़ी सारी समस्याओं से। क्यों? यस जो रात वाला जो टाइम होता है ना, बहुत मतलब आप पूरी चीजें वाइंड अप करके जब आप वो वीडियो के साथ आप या अपने साथ बैठते हो, वो आपका टाइम है यूनिवर्स के साथ, अपने साथ। और भले उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या मिला, बट अच्छा तो लगता है। निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। एक समस्या आती है हमेशा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जिस चीज को टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, वो भविष्य में जाके बहुत पीड़ा देती है। जो सेंसिबल पर्सन है वो क्या करते हैं कि जो अपने मतलब की चीजें होती हैं उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं हमेशा, और अपने आप को रिफाइंड करते चलते हैं। अब एक हमारे समाज में एक मान्यता चली आती है कि भाई जो ये सांसारिक जीवन है, जो यूथ वाला टाइम होता है, युवा वाला टाइम होता है, या हमारे शरीर में जब तक ताकत होती है तो खूब मजे करो, कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और कमा कमू के जब ऐसा टाइम आ जाए जब हमारा शरीर ज्यादा ना चले, उसके बाद ईश्वर की तरफ चलो, है ना मान्यता। और कहानियां भी चलती है, पहले ऐसा होता था, राजा ने राजपाट दे दिया अपने पुत्र को और वो वानप्रस्त हो गया। तो बहुत से लोग आज भी इस बात को समझते हैं कि भाई यही ठीक है, अभी तो कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है इधर की तरफ, अभी तो मौज करने का टाइम है। लेकिन अफसोस, होता क्या है कि प्रभु की तरफ चलना भी एक बड़ा भारी अभ्यास है, इट इज ए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस उस क्षण की जाती है जिस क्षण आपके पास ताकत है, आपके पास आपकी इंद्रियों में शक्ति है, आपकी समझ ठीक है, आपके हाथ पैर ठीक ठाक चल रहे हैं। जब समझ में आ जाए कि ईश्वर की तरफ चलना है, तभी से चलना शुरू कर देना चाहिए, उसमें आयु का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अभ्यास करते 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 काफी लंबे समय के बाद ये फिर समझ में आता है कि हाँ, अब हमको कुछ प्राप्त हुआ है, यानी कि अब हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हैं हमारी, हम शांत रहते हैं, हम डिटैच रहते हैं और हम संतुलित रहते हैं। कितना लंबा समय लगता है जरा कल्पना कीजिए कि इतना लंबा समय ईश्वर से जुड़ने के लिए चाहिए, तो लास्ट की स्टेजेस में हम क्या कर पाएंगे, हम पे कितना टाइम होने वाला है। 50, 55, 60 साल के बाद फिर बीमारियां घेरने लगती हैं, फिर बीमारी में उलझे रहते हैं, तो कहाँ अभ्यास का समय मिला। तो इसलिए जब ही जिस पल ये समझ में आ जाए कि बस हमें तो जुड़ना है और जुड़े रहना है, उसी क्षण से अभ्यास जारी होना चाहिए। और अभ्यास में कितनी सारी चीजें आपको बाहर निकालनी है, सारा कचरा बाहर निकालना है, और अच्छी अच्छी जो अपने भीतर में विभूतियां हैं उनके साथ अपने अच्छे से एक संबंध स्थापित करने हैं, अपने भीतर की विभूतियों के साथ।
कितना सारा टाइम चाहिए इन चीजों के लिए। तो ये जो मान्यता लेके सोचते हैं, बहुत से सहजी अभी भी ऐसी सोचते हैं, अरे क्या अभी हमें वाइब्रेशन तो आ गए, बस काम खत्म हो गया। और जब अंदर की शुरुआत होती है तकलीफों की, तो उसके बाद छटपटाने लगते हैं, फिर ढूंढेंगे निगेटिविटी कौन सी आ गई, कौन सी निगेटिविटी आ गई भाई, ढूंढो ढूंढो जो हमें तंग कर रही है। और वास्तविकता क्या थी, अभ्यास किया नहीं और लगे पीछे निगेटिविटी के। फिर ये कर और वो कर, पता नहीं क्या क्या करेंगे, दुनिया भर के मुसीबतें। और हकीकत क्या है, कोई निगेटिविटी नहीं है। जो अंदर का कचरा साफ होना था उसके लिए समय दिया नहीं, और मनन चिंतन मंथन विश्लेषण निरीक्षण पता नहीं क्या क्या कर करके अपने अंदर की चीजों को हाँ बिल्कुल न्यूट्रल करना था, पर वो किया नहीं, और अब पड़े हैं निगेटिविटी के पीछे। बेचारी निगेटिविटी को और बदनाम कर रहा है, निगेटिविटी तंग है कि ये देखो हर कोई मेरे को तकलीफ दिए जा रहा है, मेरे को ही कहे जा रहा है, मैं तो कुछ करती नहीं। और एक दूसरा पक्ष है ऐसे साधकों का, इस बात को समझ चुके कि अपने अंदर की सारी चीजों को समझे जाने बगैर कुछ नहीं होगा, धीरे 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 अंदर की फाइलें निपटाते चल रहे हैं, और निपटाते निपटाते एक ऐसा भी टाइम आ गया कि अब लगने लगा हाँ भाई अब तो काफी सही है। और कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी दोष निगेटिविटी को नहीं देने वाले, क्योंकि समझ में आ गया कि निगेटिविटी तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर का ही कचरा था। अब वो है नहीं तो निगेटिविटी कहां तंग करेगी। तो निगेटिविटी इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ एन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ही है हमारी बहानेबाजी का। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं सारी ऐसी बातें बोल देता हूं, हमारी बहानेबाजी का निगेटिविटी एक पहलू है। बहानेबाजी किस चीज की, अपने लिए समय ना निकालने की, अपने अंदर उतरने के लिए मेहनत ना करने की। निगेटिविटी लगती क्यों है, महसूस क्यों होती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, समाधान नहीं है, इसलिए निगेटिविटी लगती है। और जिसके पास समाधान आ गया, बिल्कुल उसका परसेप्शन क्लियर है जिंदगी के प्रति, वो क्या करेगा, उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना कहीं, वो पता है खुशी खुशी क्या कह रहा होगा सहजियों से, अरे भाई अच्छा हुआ मेरी इतनी बिजी लाइफ थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, अब कम से कम एक्सीडेंट हो गया, 20 दिन के लिए घर में आराम तो कर रहा हूं मैं, अब एक आफत से मेरी जान तो छूट गई, अब कोई कह भी नहीं सकता मेरे से, इतनी बिजी लाइफ थी। वो फिर सहजी ऐसे देखता है, वो भी निगेटिविटी की बात नहीं करता, क्यों, कुछ जमरी बात नहीं, या ये भी गप सी लग रही है। जम रही है। और ये भी हमारी कंडीशनिंग होती है ना, जैसे आप कहते हो बाहर जाने की भी तो आदत ही पड़ गई थी, अब घर बैठे थोड़ी देर रूटीन से हटने की आदत पड़ गई थी। तो हर चीज की हम आदत ही तो डाल लेते हैं। फिर हमें समझ ही नहीं आता वो हमारी कंडीशनिंग हो रही है। एग्जैक्टली, जब आप जैसे मेरी लाइफ कंडीशनिंग में अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं फ्री कैसे रह रही हूँ इतना टाइम। अपने साथ तो अच्छा लग रहा है, पर किसी को कॉल करो तो वो कहेंगे तुम इतना कैसे खाली रह सकती हो, तो मुझे घबराहट होने लग जा रही है। तो आप अपने साथ तो कंफर्टेबल रहते हो, लोगों को घबराहट हो जाती है आपको देख के। पता क्योंकि वो हाँ ऐसे वाला होगा, आपको ऐसे टाइम पे खुश नहीं रहना चाहिए। वो क्या है कि फालतू के चक्करों में फंसे रहते हैं ना, इसलिए उन्हें घबराहट होने लगती है, फालतू के इतने हाँ फोन ले रखे हैं, इतने झंझट फोन ले रखे हैं लोगों ने, हद से ज्यादा, नहीं क्या बताएं। नहीं हाँ चाहे तो लाइट ऑफ करो सोना है तो मेरे को लाइट से फर्क नहीं पड़ता है। तो
मैं क्या बोल रहा था कि जो, हाँ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मजेदार बात बता रहा हूं, कंप्लेन कौन करता है, कौन सा सहजी कंप्लेन करता है, निगेटिविटी आ गई, बाधा आ गई, बताओ कोई बताएगा कंप्लेन कौन करता है सहजी? बाधा आ गई, निगेटिविटी लग गई, वाइब्रेशन भूत ठीक आ नहीं आ गया, रहे, भूत हाँ आ गया। ये सारे कौन करते हैं, कौन है ये? ये कौन लोग हैं जो ऐसी कंप्लेन करते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग कंप्लेन करने वाले? सड़क हाँ से आते हैं ऐसे लोग। लेकिन हाँ फिर सिर्फ दूसरों पर होता है, अपने पर नहीं होता, दूसरों पर भी कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी ढूंढ ले, कुछ दिख रहा है। और बताओ कोई, कौन लोग कंप्लेन करते हैं निगेटिविटी की, भूत बाधा की, इसकी उसकी, फला फला दुनिया भर की? एक तो जय श्री माता जी, या जय श्री माता जी। सबसे ज्यादा जरूरी जिसका जो सहज से जुड़े तो हैं, पर मतलब ये सोच के जुड़े कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला, जीवन एकदम ऐसे स्मूथ चलने वाली है जो कभी होगा नहीं मरने तक। तो जैसे ही कुछ होता है तो बाहर वाले को दोष देने का, अपने अंदर नहीं झांकना है, अपने से बचने का उपाय है निगेटिविटी। बस मैंने तो देखा है कुछ, जैसे ही कुछ भी बाधा आए या कुछ भी नजर आए, बस छोटी से बड़ी चीज, बस दूसरे को बोल दो कि उसके कारण हो गया, तो निगेटिविटी आ गई, मैं तो सही था, मैं बिल्कुल सही हूँ, ये वाला चीज। और कोई बताएगा? प्रियंका ने बताया। जय श्री माता जी। जय श्री एक माता जी। तो खुद को हम जब फेस नहीं करते ना, खुद को फेस नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है, तो तब हम ये सब बातें करते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, सब चीजों को हमने एक्सेप्ट करना है, तभी हम विटनेस स्टेट में आएंगे, साक्षी भाव में। पर हम वो सब करने की बजाय जैसे मंदिर में जाके पहले लोग सोचते थे कि ईश्वर से जुड़ गए तो सब काम बस अपने आप हो जाएगा, पर जो सूक्ष्मता से श्री माता जी ने हम सबको समझाया उसको जल्दी से ग्रेस्प नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रियंका ने भी ठीक कहा। और कोई तीसरा पक्ष कोई बताए? जय श्री माता जी भैया। जय जय श्री माता जी। श्री माता जी। जी मंजू बहन, अपनी पुरानी आदतों के कारण और जो उनके भ्रम हैं, उनके अंदर जो शंकाएं हैं, उनके कारण भी। हाँ ये बात भी ठीक है। और कोई चौथा? भैया जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है हर हाँ एक चीज। यकीनन, इतनी चीजों से डरा हुआ है वो यही वाली बातें करेगा, बिल्कुल सही है। और कोई? और एक्सक्यूज है ना, नेगेटिविटी आ गई, अपनी चीजों से तो हम भाग रहे हैं, फेस नहीं कर रहे, और हम कह रहे हैं इस नेगेटिविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। यस, एक्सक्यूजेस अपने को बचाने का बहुत बहुत ही सुंदर तरीका। हाँ, निगेटिविटी कि पे हम पढ़ दो नहीं कर सारे, रहे, ये वहां से आ रहा है। हाँ, लेकिन निगेटिविटी पे सारे दोष ये छोड़ दो। भी चीज है कि सही ज्ञान का भी अभाव है, क्योंकि बहुत सारे लोग सही तरीके से समझाते नहीं है। हमने भी जैसे आपकी वीडियोस देख के बहुत सारी चीजें समझी, कि जैसे कोई बोलता है कि विशुद्धि है आपके आ रहा है, पर आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझाया कि ये सब कुछ जो भी आ रहा है, हो रहा है, वो हो सकता है कि आपका ना हो, और ईश्वर ने आपको उस चीज को क्लियर करने का माध्यम बनाया हो। तो उस समय पे हमें सिर्फ साक्षी भाव में रह के पेशेंस से और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है, पर वो लोग आधी बार समझ ही नहीं पाते कि ये जो सब कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो हाँ भ्रमित ही रह जाते हैं वो। बिल्कुल। और कोई बताएगा? मुस्कान, आर यू गोइंग टू टेल समथिंग?
नहीं और कोई बताइए, बड़ी अच्छी बात है इतने सारे पक्ष आप लोगों ने जय रखे श्री हैं। माता जी, जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। जी बहन, खुद तो श्री माता जी पर जिनका विश्वास नहीं हो उनको लगता है ऐसा। हाँ ये बात भी पक्की वाली है, जिन्हें विश्वास ही नहीं है वहां पे उन्होंने निगेटिविटी में मर देना है सारी चीज। और कोई पक्ष बताए। अच्छा है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सहजी व्यूअर्स हैं, जो ये बहुत कुछ समझते हैं, ये हो गया वो हो गया, उनकी क्लैरिटी कितनी अच्छे तरीके से हो सकती है यदि हम ये चीज समझें एकदम से क्लियर कि इतने सारे पक्ष बता दिए। हाँ, ये वाला मैच कर रहा है मेरे साथ, मैं आगे से बहानेबाजी नहीं करूंगा निगेटिविटी के। जबकि हमारे जीवन में अगर कुछ भी नकारात्मक घटनाक्रम होता है, 99.9% पूर्व घटनाक्रमों का प्रतिफल होता है, 99.9%। तो जो नकारात्मक कार्मिक घटनाक्रम हमने कई साल पहले किए, हो सकता है पिछले जीवन में किए, उसका परिणाम इस जीवन में आया, तो बेचारी निगेटिविटी काय को दोषी हो गई, ये तो समझा दे हमें कोई। मान लीजिए मैंने किसी को लूटा, किसी के पिछले जन्म में पैसे लूट लिए, ठीक है, अच्छा खासा से, और मैं इस जीवन में सहजी बन गया हूं, अब मैं अच्छे से ध्यान कर रहा हूं, पूजा में भी जाता हूं, ये भी करता हूं, क्लियरिंग भी करता हूं, सब कुछ कर रहा हूं, चक्र वक्र सब कर रहा हूं, अचानक मुझे लॉस हो जाता है, तो मैं याद करूंगा, अरे अरे कहाँ गया था मैं, किसके घर की निगेटिविटी मेरे आ गई, कौन लग गई जिसने मेरा नुकसान करा दिया। और अज्ञानता इतनी है कि बेटा तू पूर्व जन्म में करके आया और मर किस पे रहा है दोष, निगेटिविटी पे। निगेटिविटी तो तब आई थी तेरे खोपड़ी पे जब तूने लूटा था किसी को, चीट किया था किसी को, तब आई थी निगेटिविटी। अब तो उसका परिणाम आ रहा है, जो परिणाम है वो नेगेटिविटी तो नहीं है, दैट इज कंसिडरेशन। देखो किसी के अंदर अगर लालच आता है तब नेगेटिविटी आती है, तब तो कोई गौर करता नहीं, तब तो कहता है अरे अरे फायदा उठा रहा है, उठा लो, एक की चीज 10 में बेच दो, खरीदार है, कोई टेंशन की बात नहीं, जब अपने आप ही खरीदने को तैयार है, हम क्या करें। हम तो तब अपने आप को ऐसे कन्विंस कर लेते हैं कि एक्सेसिव प्रॉफिट ले रहे हो, यही तो निगेटिविटी थी, और ये कन्वर्ट होके आएगी और अस्पताल में आपको 2-4 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, तब तो याद नहीं आ रही ये बातें। जब उसका मल्टीप्लाई होके ब्याज समेत 10,000 रुपए की चीटिंग का मल्टीप्लाई होकर 10-15 साल बाद जब उसका कंसिडरेशन आता है, प्रतिफल मिलता है, वो कहते हैं हाय निगेटिविटी तू आ गई, मेरा नुकसान करा दिया, सेहत भी गई, तब भूल जाते हैं किसको लूटा था, हैं 2 रुपए मिलने थे उसकी जगह 10 रुपए ले लिए थे, तब याद नहीं आती हैं, तब तो चुपचाप रख लेते हैं, हाँ हम बड़े अच्छे समझदार बिजनेसमैन हैं, एक की चीज 10 में बेच के खुश होते हैं। तो ये जब आता है बाद में 10-15 साल बाद, 8 साल बाद, तब हाय 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 एकदम नेगेटिविटी। तो ये कहानियां यूजलेस होती हैं, जितने भी कंप्लेनिंग सहजी हैं 99.9% ऑलमोस्ट 100% कंडीशन है, कंप्लेन कंप्लेन कहां से आती है, जो कंडीशन सहजी हैं वही कंप्लेन करते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया, कंडीशन चाहे बेईमानी की कंडीशनिंग हो, चाहे 1 के 10 करने की कंडीशनिंग हो, चाहे नजायज फायदा उठाने की कंडीशनिंग हो, ये सारी कंडीशनिंग लेके रखी हुई है, और जब अपने विपरीत परिणाम आता है तो हम तुरंत कंप्लेन कर देते हैं नेगेटिविटी की, माँ नेगेटिविटी आ गई। तो एकदम बेवकूफी वाली बातें हैं ऑलमोस्ट ये, कुछ भी हो जाए कितना बुरे से बुरा हो जाए तो क्या फर्क पड़ गया, अगर हम मर भी जाए अगर हम तो भी क्या हो गया,
क्या हो जाएगा अगर मर भी जाएंगे तो आजीवन अमर होके आए हैं क्या? एक वो रावण था, अमर हो गया था अपनी साधना से, इतना परेशान हो गया, थक गया, इतनी उम्र जी जी के हो गया परेशान। अब चूंकि अमर हो गया, अब भगवान की शक्तियों ने उसे अमर कर दिया, अब क्या करे वो? अब वो हो गया बोर कि मैं कब तक जीऊंगा। तो उसने कहा प्रभु, फिर उसने साधना करके मुझे लगता है रास्ता पूछा होगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु आसानी से हो जाए। तो बताया होगा महादेव ने, तूने मेरे से सारे वरदान मांग मांग के इतनी शक्तियां पाली, तेरे को कोई मानव तो मार नहीं सकता। तो फिर उसने कहा क्या करूं प्रभु? तो भाई एक काम करते हैं, कुछ सदी के बाद में विष्णु जी का अवतार होना है राम के रूप में, उस काल में तू ऐसा काम कर देना जिससे तेरा वध करना पड़े राम जी को, यानी कि विष्णु जी को, जो भी अवतार के रूप में होंगे। तो उसने समझ में आ गई बात उसके, कहा भैया मरने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। तो उसने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, क्योंकि जागरूकता के साथ किए, इसलिए सीता जी का अहित कभी नहीं किया उसने, बस उसने अपनी मृत्यु को बुलाया जिससे कि मैं शांति से मर सकूं भाई। और कितना ऊंचे दर्जे का था वो कि ईश्वर के हाथों मारा गया। सोचो, ना वो बीमारी से मरा, ना किसी एक्सीडेंट से मरा, ना प्राकृतिक आपदा से मरा, ना किसी मानव से मरा, ना किसी असुर से मरा। कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो खुद ईश्वर के द्वारा उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। और हम हैं कि मरने से डरते हैं, बताओ। रावण ने तो खुद ही सारा अरेंजमेंट किया अपनी मृत्यु का, और हमें डरे पड़े हैं, थर 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 कांपने लगते हैं। जरा सी आफत आ जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए जिसमें प्राण जाने वाले हों, तो हमारे अंदर दहशत हो जाती है। अरे काहे की दहशत होना, बताओ, एक दिन तो मरना ही है सबको। आप लोग सोच रहे होंगे फिर मरने की बात हो गई है तो शुरू आदत नहीं, हम लोग को आदत पड़ चुकी है अब हो गई। ट्रेंड हो गए ऐसे बोल बोल के ना आप हमारी ट्रेनिंग ही कर रहे हो। मैं निकल ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो भी देखा था, उसमें विश्वास और वो पूरा उसके अंदर आपने यही सब समझा रखा है। एक तो कबीर जी का शब्द है गुरबाणी में, मोहे मरण की चाह है, मरु तो हर के द्वार। तो यस वो मुझे आप ही के ऊपर लगता है कि, और फिर प्रकल्प उसपे फिर नेक्स्ट तो किए है, पर मुझे याद वर्ड्स नहीं याद, ऐसे कि प्रभु मुझसे ये ना पूछे कि कौन पड़ा हमरे द्वार, कि मैं ऐसे कर्म करूं कि वो मुझे पहचाने। मैं और चाहता आपका तो भी मैं भी सेम ही ऐसा ही हूं कि स्टेटस है कि भाई मुझे मरने सुकून का शांति चाव वाली, है। मेरी हृदय की भी इच्छा है भाई सुकून शांति वाली मृत्यु प्राप्त हो। अब ये नहीं पता पीछे से कर्म कैसे करके आ रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कैसी मृत्यु मिलेगी, मालूम नहीं, ये नहीं पता मुझे, पर चाहत तो है। और ऐसी हो अपना बस शांति से अपना ध्यान में बैठे हो, प्रभु के श्री माता जी के साथ जुड़े हुए हो, और उसी अवस्था में ही बस श्री माता जी हमारी जीवात्मा को हमारे शरीर से निकाल लें। क्या बेटा, तेरे को अच्छी सी नींद सुला दूं? 100 साल से, 100 साल से, पता नहीं 1000 साल से तू सोया नहीं है अभी, अब सो जा। कितनी सुखद सी अनुभूति आती है ये, मतलब श्री माता जी के, परमेश्वर के ध्यान का मतलब ही है उनकी गोद में हमारा सर रखा हुआ है, मतलब क्लियर कट है ये। अगर आप सहस्त्रार से और हृदय से जुड़े हो तो आप 100% उनकी गोद में सर रख के बैठे हो, पक्की तौर से बता रहा हूं मैं। और ऐसी अवस्था में अगर हमारी जीवात्मा शरीर का त्याग कर दे तो इससे सुंदर घटनाक्रम तो कोई नहीं हो सकता। अब पता नहीं, कह नहीं सकते क्या मिलेगा, हमें तो वो सब स्वीकार होगा जो मिलेगा, क्योंकि हमारा ही है वो, हमारा ही तैयार किया हुआ है, उससे क्या घबराना। जानते हैं मृत्यु की बात मैं क्यों करता हूं? मृत्यु जो है ना,
मृत्यु के, एक मृत्यु जो शब्द है ये कितने अल्फाबेट का बना हुआ है? म, अधरा, त और यू, लगभग 3.5 शब्द हैं इसमें भी, लगभग 3.5 अल्फाबेट हैं ऑलमोस्ट, ऊ की मात्रा और जोड़ लो लेकिन 3.5 अल्फाबेट है ना। मा में आधा रा, मृत, ता और या, 3.5 हो गए। 3.5 का क्या है बताओ, 3.5 क्या होती है हमारे अंदर? कुंडली, कुंडलिनी माँ, हाँ 3.5 कुंडल। तो सोचो, कुंडली और मृत्यु एक ही बराबर है, एक ही लेवल पे है, सोचो। मृत्यु किस चीज की हो रही है पता है आपको? किस चीज की मृत्यु हो रही है? शरीर की हो रही है, हमारी आत्मा और माँ कुंडलिनी तो अमर है, वो तो वापस अपनी अवस्था के हिसाब से वापस पहुंच जाएंगे, जहां पे भी हम जिस भी उसमें होंगे कपड़े चेंज हो जाएंगे। जो अहंकार होता है वो किस चीज पे आधारित होता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ अहंकारा? ईगो का बेसिस क्या है, आधार क्या है मित ईगो का? जीवन ही है, जीवन हाँ, इंटेलेक्ट, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते बाहरी जाते हैं। बाहरी बाहरी स्वरूप ही अहंकार का मूल कारण होता है। तो जो मृत्यु हुई वो किसकी मृत्यु हुई? बाहरी जीवन की मृत्यु हुई तो बाहरी अहंकार अहंकार की मृत्यु हो गई। की। अहंकार की मृत्यु होती है। तो अगर अहंकार की मृत्यु है तो क्या वो वास्तव में मृत्यु है या फिर जीवन है? जीवन है, पर जैसे आप बताते हो कि जिस अवस्था में हमारी डेथ हुई तो वो हमारे साथ ही तो चला गया, चेतना के अहंकार हमारे अंदर रह गया ना। हाँ, लेकिन दिखाएगा कहाँ को वो बिना शरीर के? दिखाएगा तो शरीर में आके ही। कभी हाँ भूत को अहंकार करते देखा है? कभी सुना है कभी किसी भूत ने अहंकार कर दिया? तो नहीं, अहंकार होता है प्रत्यक्ष में जो चीज दिखाई देती है, स्थूल, स्थूल अस्तित्व का अहंकार होता है। जो भी होता है स्थूलता का होता है, और स्थूलता की हो गई मृत्यु। तो मृत्यु होने के बाद मिला क्या? वास्तविकता यानी कि जीवन मिला। वास्तविकता क्या है? जी, जीवन, यही वास्तविकता है। जीवन। तो अहंकार की मृत्यु होती है और जीवन प्राप्त होता है। अब उसका स्थूल में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चेतना को जीवन मिलता है। आपकी चेतना बंधन में है, जब शरीर के अंदर है तो कितने बंधन में है चेतना? 1000 प्रकार के बंधन इस शरीर के साथ में चेतना के होते हैं। और जब अहंकार को, अहंकार मृत्यु को प्राप्त होता है, मैं कहां से आता है? मैं जो मेरा बाहरी वजूद है यही मैं दे रहा है, क्योंकि इसे आप देख सकते हो, दिख सकता है ये। अगर कोई आपके कानों में, आप ही के कमरे में बैठकर आवाज आए मैं हूं, तो आप पूछोगे कौन है भाई? वो कहेगा मैं हूं। मान लो कोई भूत ऐसे बोलने लग जाए तो आप थोड़ी यकीन करने वाले हो, भैया मैं कौन, सामने आ जा। अब वो बेचारा सामने तो आ नहीं सकता, तो आप मानोगे थोड़ी उसकी बात। फिर आप सोचोगे कहीं मेरे अंदर सपना तो नहीं चल रहा जो बोल रहा है ऐसा। यानी कि अहंकार का संबंध सीधा सीधा स्थूलता से है। ग्रॉस बॉडी का एक को रिलेशन है अहंकार के साथ में। जब ग्रॉस बॉडी नहीं रहती तब क्या रह जाएगा? यानी कि कहीं ना चेतना ही कहीं रहेगी। ग्रॉस बॉडी जब नहीं रहती है तो सत्य रहता है, सत्य, और सत्य ही जीवन है।
तभी तो कहा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। अब देखो ना इसमें एक ये दो लाइनें हैं, राम नाम सत्य है, राम रा का मतलब शक्ति, माँ का मतलब मानव। जिस मानव ने शक्ति को धारण किया है, मातृत्व की शक्ति को धारण कर लिया, माँ की शक्ति को धारण किया, वो राम हो गया। जो राम हो गया वो सत्य हो गया, और जो सत्य हो गया वो मुक्त हो गया। याद रखना राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। है इंटरेस्टिंग कितना। मृत्यु जो है जानते हैं 3.5 अल्फाबेट का बना हुआ है ऑलमोस्ट। इस मृत्यु में सारे शास्त्र समाये हैं, इस मृत्यु में सारे ग्रंथ समाये हैं, इस मृत्यु में सारे उपनिषद समाये हैं, इस मृत्यु में इस रचना का पूरा ब्रह्म ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान सबसे बड़ा ग्रंथ है मृत्यु, ग्रंथों का ग्रंथ, शास्त्रों का शास्त्र, उपनिषदों का उपनिषद, और ज्ञानियों का ज्ञान मृत्यु है। यदि आपने इसे पढ़ लिया तो आप अमर हो जाओगे। अमृत प्राप्त होगा यदि इसे पढ़ लिया, मृत्यु को। यदि मृत्यु को जान लिया तो कभी मरोगे नहीं। मरता कौन है जो मृत्यु को जानता नहीं है। जो मृत्यु को जान जाता है वो अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता, अनश्वर हो जाता है। ये महत्तम में है मृत्यु का। इसलिए बार बार मृत्यु मेरी जुबान पे आती है, बार बार आपके सामने इसके हजारों पक्ष, सैकड़ों पक्ष आ चुके होंगे, आते रहेंगे आगे तक, क्योंकि इससे बड़ा ग्रंथ मैंने आज तक नहीं देखा। लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, मुझे मालूम नहीं, पर मेरी पढ़ाई मृत्यु की होती है। रोज एक चैप्टर मृत्यु का पढ़ता हूं। आप लोग भी मृत्यु का चैप्टर पढ़ना शुरू करो, इसी जीवन में पढ़ते पढ़ते ही मुक्त हो जाओगे, और मुक्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे मुक्त होंगे वैसे वैसे जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा, और जीवन क्या हो जाएगा, सरस, और फिर आगे और जुड़ जाएगा वती, सरस्वती आपके भीतर में जागृत हो जाएगी। ईमानदारी से एक चैप्टर मृत्यु का डेली पढ़ के देखो, 5 मिनट के लिए पढ़ लो मृत्यु को, 24 आवर्स में 5 मिनट मृत्यु को दे दो, देखो क्या चमत्कार होता है। थोड़ा सा चिंतन कर लो मृत्यु का, डर भी लगे तो भी कोई बात नहीं, डर लगे लगे भी कर लो तो डर निकल जाएगा। और पढ़ते 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 डिटैच हो जाओगे। डिटैच होने के लिए ध्यान में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने मृत्यु को पढ़ा और आप डिटैच हो गए, मृत्यु को समझा तो प्रेम में ही हो गए, मृत्यु को धारण किया तो वात्सल्य में ही हो गए। हैं? और मृत्यु को आत्मसात किया तो सदा के लिए निडर हो गए, सदा के लिए निडर हो गए। कितनी ताकत है इस मृत्यु में, अंदाजा है क्या? अब हमारे बेचारे सहजी फिर परेशान होंगे, आज ये फिर अजीबोगरीब बातें कर रहा है ये बंदा। पहले से ही हम परेशान थे, पहले से ही गुत्थियां नहीं सुलझ पा रही कुछ बातों की, एक नई और चीज दे दी और मुसीबत हो गई हमारी। सच्ची बता रहा हूं, मृत्यु का महात्म्य बहुत ऊंचे दर्जे का है। एक बात बताओ,
जरा चिंतन करके देखो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किस चीज का ज्ञान दिया था। अब समझ पाओगे किस चीज का ज्ञान दिया था अर्जुन को। समझ पाए अब, जिसे जितनी गीता साइंस का ज्ञान कहा गया वो वास्तव में किस चीज का ज्ञान था? मृत्यु का ही था भैया। हाँ, कृष्ण जी ने अर्जुन को मृत्यु का ज्ञान दिया था, और जैसे ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ मृत्यु का, तुरंत कर्तव्य पद पे तुरंत खड़ा हो गया। दोबारा कर्तव्य उसे याद आ गए सारे। सबसे बड़ा अगर संसार में, इस दुनिया की मानवों के बीच में अगर कोई गुरु है ना, वो मृत्यु है गुरु। सबसे बड़ी गुरु मृत्यु। अगर इससे दीक्षा ले ली, कभी जिंदगी में चिपक नहीं पाओगे किसी चीज से। जिसने मृत्यु को गुरु बना लिया अपना, बेड़ा पार हो गया उसका। सबसे बड़ी शिक्षक है हमारी वो मृत्यु, और इससे बड़ा कोई सच्चा साथी नहीं। सबसे सच्चा साथी मृत्यु है। कैसे? मानव के हर जन्म में उसकी जिंदगी ने उसके साथ दगा किया है, बीच राह में छोड़ के चली गई है जिंदगी, लेकिन मृत्यु ने सदा साथ दिया है। मृत्यु ने अपने आगोश में संभाला उसको, सांत्वना दी, अपने हृदय में स्थान दिया। तो जिंदगी बेवफा और मृत्यु सबसे ज्यादा वफादार। मृत्यु ही तो संभालती है मानव की चेतना को, जिंदगी तो भाग जाती है, छोड़ छाड़ के ऐसे ही महसूस हो रहा है। और मृत्यु का जिसने पहाड़ा पढ़ा, उसकी जुबान से रसी बहेगा, और ऐसा रस होगा वो कड़वा तो लग सकता है पर जीवन दे देता है। वो जी इतनी ताकत है इसमें, मृत्यु में। इसलिए मुझे अच्छा लगता है मृत्यु की बातें करना, क्योंकि इससे बड़ा शास्त्र तो कोई नहीं है संसार में। 1 मिनट रह गया है, चलो अगले सेशन में जो ये अभी शुरू होगा, अगला 40 मिनट का जो अगला, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मृत्यु को जिएंगे, राइट? अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी जिएंगे थोड़ा सा मृत्यु को। आप लोग सोचते होंगे क्या श्री माता जी के चरणों में सहज योग शुरू किया था, अब ये कहाँ पहुंच गए हम? ये कौन सा योग है? लगता है कभी कभी कहीं बिल्कुल सही भटक, जगह पहुंचे हैं। कहीं हृदय में भाव तो नहीं आता, अरे कहीं भटक भटक तो नहीं गए, कहीं भटक के इधर अभी तक उधर? भटक रहे थे भैया, अभी इससे पहले भटक रहे थे। अब मैं ना मेरे से कम उम्र वालों का उनको जाते हुए देखा, तो वो बहुत शॉकिंग था, और ऐसा शॉक पे आया कि अरे यार ये रियल है। जी रुक जा, मुस्कान मुस्कान रुक जा, जी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, आप म्यूट हो। एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं भूल गया, इसमें चार्ज लैपटॉप नहीं लग चार्ज रहा, करना। वो ध्यान नहीं रहा बातों में, फट बंद हो गया। ऐसा ही हाल होगा, अचानक से टाए हो जाएगा, बस गए। जगा लो अपनी अवेयरनेस को। देखा अभी मेरी अवेयरनेस नहीं थी, इधर खट से बंद हो गया है सारा, फिर शो खत्म 1 मिनट में। ऐसे ही हो जाता है मृत्यु, और एब्रप्टली अगर मृत्यु आ गई तो फिर क्या होगा, हचड़ पचड़ सी हो जाएगी। अब तो तैयारी तो की नहीं, तो हम अक्सर मृत्यु का चैप्टर पढ़ के तैयारी करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन धीरे 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 करके क्या होगा, प्रतीक्षा होने लगी, अरे बड़े दिन हो गए अभी तक नहीं आई,
अभी तक तो डर रहे थे, अब प्रतीक्षा है भाई, आ जाओ, तैयार बैठे हैं। जैसे होता है ना, वो सामान बांध रखा है, स्टेशन पे चले गए, ट्रेन ही नहीं आ रही, ट्रेन ही नहीं आ रही, घंटा लेट, 2 घंटा लेट, 3 घंटा लेट, होता है ना। तो आप लोगों की इतनी मजेदार स्थिति हो जाएगी, बोरिया बिस्तर बांध के तैयार बैठे हो भाई, कब आएगी? तो कितनी सुखद सी अनुभूति है कि भाई हम तो तैयारी करके बैठे हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेन का टाइम 8 बजे है, आपने कहा भाई आती तो लेट ही है, चलो फिर भी 10 मिनट 5 मिनट पहले चले जाओ, तो पता लगा जी वो तो 1 घंटा पहले आके चली भी गई। कभी ऐसा सुना आपने, भारत के अंदर ट्रेन 1 घंटा पहले आके चली गई? नहीं? तो ऐसे ही, ऐसे ही, लेकिन मृत्यु के साथ उल्टा हिसाब है। मृत्यु जो सोच रहे होते हैं उससे भी पहले आ जाती है कई बार, अगर हम हमेशा के लिए तैयार रहें, सारी चीजें तैयार, चेतना भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है, सब चीज समझ में आ चुकी है संसार की, है कोई लालच नहीं रह गया, कोई इंक्लिनेशन नहीं रह गया, कोई डर नहीं रह गया, किसी की इच्छा नहीं रह गई, कोई आकांक्षा नहीं रह गई, कोई एम नहीं रह गया, कितना सुखद सा है कि भाई सब तैयारी कर रखी है हमने, सब कुछ तैयार है एकदम। तो क्या है कि 2 घंटा पहले भी आ जाएगी तो क्या हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो पहले ही स्टेशन पहुंचे हुए हैं, आओ चढ़ जाएंगे मृत्यु में, और अचानक से आ जाए और हमने तैयारी ना की हो तो कितनी मुसीबत है। कभी देखा है कि अचानक से ट्रेन आ गई और साथ वाले छूट गए, अरे रे रे रे, वो रह गया चढ़ने से भैया, वो छूट गया, देखा है ना कभी, परिवार के लोग छूट जाते हैं। अब जब अचानक मृत्यु आ जाती है तो अरे उससे नहीं मिले, इससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले, बड़ी टेंशन हो गई कि मृत्यु तो हो रही है लेकिन वो छूट छाट गए, मिल के ही नहीं जा पा रहे किसी से, कितनी मुसीबत है। और यदि अभी से तैयार होके बैठे हो तो आराम से सबसे मिल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पार्टी कर रहे हो कि चलो भाई अब कोई चिंता नहीं है, अब कभी भी आ जाए, अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लास्ट में किसी से कहेंगे भी नहीं जरा उसको बुला दो, उसे देखना है, हम तो देख दाख के बैठे हैं तैयार हैं। कितने मजेदार सी फीलिंग है ये। अब जैसे कहते हैं ना कि वो ये मेडिटेशन में 24x7 है ना, मेडिटेशन 24x7 से हार्ट में बने रहो, तो मैं एक तीसरे पहलू को और जोड़ रहा हूं, सहस्त्रार हार्ट और मृत्यु तीनों से जुड़े रहो, सहस्त्रार हार्ट और मृत्यु, एक तीसरा पॉइंट और कनेक्ट कर लो साथ में अपने। अब कोई कहेगा भाई इधर ऊपर एक सहस्त्रार हो गया, नीचे हृदय हो गया, तो मृत्यु कहाँ भैया, बीच में टांग दो इसको मृत्यु को, कि सहस्त्रार से चले तो भी मृत्यु और हृदय से चले तो भी मृत्यु, है नहीं है? बढ़िया चीज। एक काम करो, मृत्यु को ना कहाँ रखोगे बताओ, कहाँ रखोगे, शस्त्रार हार्ट के बीच में कहाँ रखोगे मृत्यु को, सबसे बढ़िया इसकी पोजीशन क्या होगी? आज्ञा फिर अंधे पे ना ना ना, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी अच्छा है। आज्ञा में अगर रख दिया तो अभी चल जाएगा आज्ञा, फिर भूल जाओगे शस्त्रार हार्ट सब। पार्ट सबसे बढ़िया मृत्यु को रखो, विशुद्धि में साक्षी बने रहोगे। भाई एक प्रॉब्लम इसमें नहीं होने की ना, अगर मैं कहूं एक हृदय को जोड़ो, सस्त्रार को जोड़ो और एक मृत्यु को जोड़ लो, तो फिर अलग से एक हो जाएगा, तो भैया एक ही लाइन में सुषुम्ना पे मृत्यु को विशुद्धि में टिका दो, ये चार्जिंग में भी दिक्कत कर रहा है भाई जसलीन, ये फिर बंद हो सकता है, ये चार्जर लगा रहा हूं फिर भी चार्ज नहीं कर रहा है, ये बीच में कुछ गड़बड़ हो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अगर है ना आसान कितना, ऐसा हो बंद हो जाए तो आप जो आपका मोबाइल वाला है उससे पे वॉइस ऑन कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा चार्ज, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा चार्जर में कोई कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही होगी, हट जाता है पीछे।
अपने आप लगे लगे भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि मृत्यु को रखो आप साक्षी में, विशुद्धि में, इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि अगर आपने ध्यान मध्य हृदय से शुरू किया, मध्य हृदय से शुरू करोगे तो सहस्त्रार की तरफ चलोगे, तो मृत्यु जो है बीच में मिल जाएगी विशुद्धि में। और किसी ने सहस्त्रार से शुरू किया तो मध्य हृदय में जुड़ने के लिए आओगे तो फिर मृत्यु मिल जाएगी बीच में। तो मृत्यु दोनों ही कंडीशन में कनेक्टेड रहेगी आपसे। लाभ कितने होंगे इससे? इससे बेहतरीन लाभ होने वाला है। एक तो आपका भय खत्म हो जाएगा, हृदय हमेशा खुला मिलेगा। दूसरा, सहस्त्रार बिल्कुल तैयार मिलेगा, मां आदि शक्ति एकदम रेडी है आपकी सोल को लेने के लिए, क्योंकि आपने तो मृत्यु को अपने विशुद्धि में बैठा दिया। चिंतन निरंतर चलता रहेगा, जैसे हम कहते हैं ना सहस्त्रार हार्ट के साथ जुड़े रहो, तो चेतना और चित्त हमारा सहस्त्रार हार्ट से जुड़े हुए हैं और हमने बीच में मृत्यु को टिका दिया, तो अब चेतना और चित्त मृत्यु के साथ भी जुड़े रहेंगे ना, धीरे 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 करके आपको पूरी तरह मुक्त कर देगी मृत्यु, साथ में इसे भी जोड़ लो। आज से एक नया एक आयाम शुरू कर लो। थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी बातें, पर हैं मजेदार। अगर ऐसा कर लिया तो मजे आ जाएंगे। मुस्कान कुछ कुछ बहुत अच्छा शेयर कर रही थी मृत्यु से रिलेटेड। है? मुस्कान कुछ शेयर कर रही थी अच्छा मृत्यु अच्छा से मुस्कान, रिलेटेड। प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ जी, उनने शिल्पा आंटी ने पूछा था कि हम लोगों को कैसा लगता है इस टॉपिक पे, तो बस मैं उसी पे ही शेयर कर रही थी बोलो कि बोलो। मेरे अभी जैसे दो मतलब कुछ महीने पहले ऐसे सुनने में आया था कि मैं एक ग्रुप के साथ हाइकिंग पे जिस पे गई थी, तो वहाँ पे जो एक पर्सन था एकदम से पता चला कि वो है ही नहीं, और उससे पहले भी जो आसपास है मतलब अपने से कम उम्र को देखा है कि एकदम से वो आउट ऑफ द लाइफ चले जाते हैं। तो तब मेरे को एहसास हुआ कि ये रियल है जो आप सारी बातें कर रहे हैं उस सब में एक्चुअल में है कि एकदम से आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ये चीजें असली हैं, इसको मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं पर इससे ज्यादा तो नहीं, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं सोचते हैं, पर ये पता है कि है ये। और अगर ये सत्य है, अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी जैसे लाइफ चल रही है समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक मैं अपना रूल बांधने की कोशिश कर रही हूँ कि सच के साथ ही देखना है, कोई भी चीज सच से मिलती जुलती है, बस मेरे को उसको पकड़ना है। लोगों को नहीं देखना, समाज को नहीं देखना, उनके रोल्स रूल्स तो बिल्कुल फॉलो नहीं करने, क्योंकि मेरे को चीटेड महसूस होता है। मुझे लगता है यार सब गलत सिखा दिया, सब गलत सिखा दिया, अभी सब हटाना पड़ेगा अभी ये। पर कोई नहीं, एटलीस्ट मुझे तो समझ में आ रहा है कि अभी छोड़ूंगी तो ठीक हो जाएगा। अभी नया जिसमें मेरा दिल होता है कि मैं ऐसे बोलूं कि मेरी फुल परवरिश श्री माता जी के हिसाब से जाएगी, मतलब हार्ट टू हार्ट वाली आ जाए, ये सारा समाज वाले को बाहर फेंक दूं मैं, मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो अभी जैसे आपने बोला मृत्यु, अब जब मुझे पता है कि वो सच है होना है, तो सच है तो फिर मुझे एक्सेप्ट तो करना ही है। और ये भी मैंने सामने सामने से देखा है कि उम्र का कुछ लेना देना नहीं है, जब मर्जी तम हो जाता है तो फिर वाई नॉट ले ले इसको भी, अगर ये अब तीसरी कंडीशन है तो हम इसको भी बिल्कुल रखेंगे, अगर एज लॉन्ग एज ये मेरी ग्रोथ को ग्रोथ के लिए, तब तो है ही, फिर तो किया ही जाएगा अब जरा एक चीज इसलिए। सोचो मुस्कान, अभी तुम्हारी एज कितनी होगी? 26-27 साल है? छब्बीस 27 सत्ताईस साल में ही तुम ये सारी जो लदी हुई चीजें रिवर्स करने जा रही हो। जरा सोचो जो 60 साल का हो चुका उसने कितनी चीजें लाद ली होंगी अब तक अपनी, उसके लिए रिवर्स करना कितना मैं मुश्किल वही है सोच रही भाई। थी, मैं वही सोच रही थी सो सही में। यंगर आर वेरी लकी, यंग पीपल आर वेरी लकी कि रिवर्स करना उनके लिए आसान है। जरा 60-60 70-70 साल वालों की हालत देखो कि रिवर्स कैसे करेंगे भाई।
इतना मुश्किल है रिवर्स करना, यानी कि ज्यादा उम्र का मतलब ज्यादा कंडीशनिंग, कम उम्र का मतलब है कम राइट कंडीशनिंग। राइट राइट एग्जैक्टली यही चल रहा था, यही चल रहा था कि अभी जितना सब पकड़ लिया है उसको बाहर फेंकने, और जो भी लंबा लंबा है, ऐसा है कि जितना आपकी उम्र बढ़ गई है उतना आपने ले लिया है और उतना ही बैकलॉग आ चुका है। अगर आपको ठीक भी करना है ना, वो सब उसको देखना पड़ेगा, अरे यहाँ गलत यहाँ गलत यहाँ गलत, वो बैकलॉग ही इकट्ठा हो जाता है और वो फिर देखना थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा। बहुत पर कोई डिफिकल्ट नहीं, है ज्यादा आयु वालों के लिए रिवर्स करना, इन सारी कंडीशनिंग को बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बड़े शौक से कंडीशनिंग चढ़ाई है अपने अंदर खुशी से, और अब रिवर्स करना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि भाई किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने बड़े प्रेम से लेके रख लिया, 5 साल बाद हो गए भैया मेरा गिफ्ट वापस कर दो, कितनी मुश्किल काम हो गई है? यहां पे मैं एक चीज जोड़ूंगा, बड़ा बड़ा ही शानदार पॉइंट है, अगर आप मृत्यु के साथ जीवन जिएंगे आप कुछ अपने ऊपर रिसीव नहीं करेंगे, कोई कंडीशनिंग चढ़ नहीं सकती। मृत्यु वो पारस है कि आपके ऊपर कंडीशनिंग चढ़ने ही नहीं देगी मृत्यु, अगर आप मृत्यु के साथ जियोगे तो कंडीशनिंग कोसों दूर भागेगी आपसे। मृत्यु को स्वीकार करने वाले, मृत्यु के साथ रोज जीवन जीने वाले इंसान के ऊपर किसी भी प्रकार की कंडीशनिंग आ ही नहीं सकती। चिंतन करके देख लो, मान लो तुम हर समय मृत्यु के लिए तैयार हो तो आपका लड़ने का दिल नहीं करेगा किसी से, यार कभी मर सकता हूं क्या लड़ू मैं। किसी ने आपसे चीटिंग कर ली आप उस पर केस नहीं करने गए, अच्छा भाई कर ले मैं कभी भी मर जाऊं क्या केस करूं इसमें। किसी ने आपका अपमान कर दिया आप बिल्कुल नहीं उस पर बिगड़ोगे, है कोई बात नहीं कर ले मैं तो अभी भी मर सकता हूं। 99.9% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, कोई राड़ नहीं है जिंदगी में, है ही कुछ नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे आप सोचोगे अरे अभी तो अगले पल मर सकता हूं मैं, क्या कहूं मैं किसी से, कह ले भाई कह ले खूब कह ले कोई दिक्कत नहीं है हमें। और फिर आप हमेशा याद रखोगे यार कभी भी मैं मर सकता हूं, मैं क्यों ना प्रेम से ही बात कर लूं। जितने भी विकार हैं मनुष्य के मन के वो सब उनके अंदर होते हैं जिन्हें मृत्यु याद नहीं है, जो मृत्यु से दूर है उनके अंदर ही विकार मिलेंगे तुम्हें, जो मृत्यु के साथ जुड़े हुए हैं उनके अंदर कोई विकार नहीं मिलेगा, कोई कंडीशनिंग नहीं मिलेगी, कोई ऐसी भावना नहीं मिलेगी नकारात्मक का। तो कितना बड़ा महामंत्रों का महामंत्र है ये मृत्यु। एक वो है ना कबीरदास जी का, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो मैं यहां कहूंगा 3.5 आखर ज्ञान का पढ़े सो अमर होए। 3.5 आखर ज्ञान का पढ़े सो अमर हुए, जिसने मृत्यु को पढ़ लिया वो अमर हो गया। जितनी भी दुनिया भर की झमेले हैं वो सब उनके साथ हैं, जो मृत्यु के साथ नहीं है उनके साथ झमेले हैं, जिनके साथ मृत्यु रहती है उसके साथ कोई झमेला नहीं होता जिंदगी में। आप छोड़ देते हो, मैं छोड़ ले कोई बात नहीं चल जा कोई दिक्कत नहीं, देखा है कभी एहसास करके देखा। और अहंकार कौन दिखाता है, जो ये सोचता है कि बेटा तू कभी मरेगा तो है नहीं,
वही अहंकारी जीव है। हड़पता कौन है किसी का सामान, जो सोचता है तू हमेशा बना रहेगा, हड़प ले आज मालामाल हो जाएगा। लूटता कौन है, जिसको ये एहसास तक नहीं है मृत्यु भी कोई चीज होती है, वही तो लूटता है दूसरे को। छल कौन करता है किसी के साथ में, छलता छल कौन करता है, जिसको इतना भ्रम है कि मृत्यु तो कभी होती नहीं। अगर मृत्यु का एहसास बना हुआ है तो ये सब चीजें कहाँ रहने वाली हैं बताओ। और एक बात और बता दूं, जो मृत्यु के एहसास के साथ सहजी रहते हैं ना, वो ना कर्मकांड करते हैं, ना बंधन लगाते, ना वो धुनी देते, ना स्टिंग नॉटिंग करते, ना पेपर बर्निंग करते, ना मटका रखते, निर्विकल्प होते हैं। मृत्यु आपको निर्विकल्प बनाती है, मृत्यु का ध्यान आपको निर्विकल्पता में स्थापित कर देता है हमेशा के लिए। अभी तो सहजी थोड़ी देर के लिए निर्विकल्प होते हैं, फिर सविकल्प हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु को धारण कर लो अपने जीवन में, हमेशा के लिए निर्विकल्प हो जाओगे, ऑलवेज। इसीलिए मैं सबसे बड़ा इसे मैं महाग्रंथ मानता हूं, मृत्यु को, मृत्यु के एहसास को, मृत्यु के जीने को। और दूसरी बात, अगर आप खुशी से स्वेच्छा से मृत्यु की प्रतीक्षा करते हो ना, आपको इतने कम समय में ज्ञान हो जाएगा कि लोगों को 10 जन्म में भी ज्ञान नहीं होगा, वो आपको कुछ ही दिनों में हो जाएगा ज्ञान, कुछ ही दिन में। इतनी बड़ी शक्ति है मृत्यु, क्या जरूरत है आगे इतने सारे जन्म लेने की भैया। एक जन्म में मृत्यु का एहसास करो, जीते जी मृत्यु का एहसास करो और ज्ञानी हो जाओ, मुक्त हो जाओ। और जो मृत्यु के साथ रहता है ना, उसे ये नहीं कहना पड़ता श्री माता जी मैंने सब समर्पित कर दिया। मृत्यु के साथ रहने वाले का समर्पण पहले ही हो चुका होता है, ये नहीं कहना पड़ता मैं समर्पित करता हूं। कहीं ना कहीं ये भी एक, कहीं ना कहीं ये भी एक अहंकार का पुट है, मैं समर्पित करता हूं यानी कि मैंने सब पकड़ा हुआ है, लो मैं आप समर्पित कर रहा हूं, इसमें भी कहीं ना कहीं एक अहंकार छुपा हुआ है, जानते हो आप। ये स्टेटमेंट कि माँ मैं समर्पित करता हूं, ये भी अहंकार से पोषित ही है, क्योंकि मेरे पास था यही अहंकार है, अब मैं समर्पित कर रहा हूं। जो मृत्यु के एहसास के साथ रहते हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो तो होते ही मुक्त हैं, उनका तो कुछ होता ही नहीं ना इस संसार में। जो मृत्यु का हो गया वो किसी का ना रहा उसका कुछ नहीं रहता इस संसार में, उसका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि उसका अटैचमेंट, प्रगाढ़ अटैचमेंट मृत्यु के साथ है। अब चाहे तो अपने अंतिम समय के लिए भूल भाल के सोचो, चलो भाई जब आएगी तब सोचूंगा, और तब यह हालत हो चुकी होगी कि मृत्यु से दोस्ती नहीं होगी, फिर मृत्यु शत्रु नजर आएगी, पहले से ही दोस्ती कर लो, शुरू से ही मित्रता बनाए रखो। वो भी मित्रता निभाएगी अंतिम समय में, पता है क्या कहेगी मृत्यु, किले चल मैं तुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में ले लेती हूं बिना किसी कष्ट के, क्योंकि तू तो मेरा मित्र है। और कष्ट किने होता है, जिन्हें मृत्यु से मित्रता नहीं होती उन्हें बड़ा कष्ट होता है भाई, बहुत कष्ट होता है तो ये जो 3.5 अखर मृत्यु का है ना, महाज्ञानी बनाने के लिए, आप महाज्ञानी हो जाते हो उसको समझ के। एहसास हो रहा है इस बात का, है एहसास थोड़ा थोड़ा, और एक बात और ब्यूटीफुल है,
अगर आपको मृत्यु का एहसास है और आपकी दोस्त है मृत्यु, आप जिसके भी साथ रहोगे ना, वो अपने भाग्य को धन्य सराहेगा, अपने आप को धन्य समझेगा वो कि यार इसके साथ मैं रहता हूं, क्योंकि मृत्यु को धारण करने वाला जो इंसान होता है वो हमेशा प्रेममयी ही मिलेगा आपको, क्षमाशील ही मिलेगा, प्रेममयी मिलेगा, क्षमा करता रहेगा, चल छोड़ 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 होता है ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो भाई ऐसे इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा जो हर गलती को क्षमा कर दे, जो गलतियों के बावजूद भी प्रेम देता रहे, वात्सल्य देता रहे, सब कुछ उल्टा करने पे भी वात्सल्य दे, तो इसको कौन छोड़ना चाहेगा भाई। वो तो माँ जैसा हो गया, जैसे एक माँ होती है ना, बच्चे कितना ही शैतानी कर ले, उल्टा पलटा कर ले, फिर भी वो खाना भी खिलाएगी, नहलाएगी धुलाएगी भी, प्यार भी करेगी, सबको संभालेगी भी, मातृत्व जैसा हो गया। यानी कि मृत्यु आपको क्या बना रही है, मातृत्व से ओतप्रोत बना रही है, अपने परिजनों के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। मृत्यु, मृत्यु से जुड़ा हुआ मानव समभाव वाला होता है, वो किसी एक विशेष के लिए नहीं होता, वो सबके लिए समान होता है, सबको समान भाव में प्रेम देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि मृत्यु किसी की सगी नहीं होती। तो तू कैसे किसी का सगा हो जाएगा, होती है किसी की मृत्यु सगी, बताओ, सुना है कभी मृत्यु किसी की सगी हो गई, नहीं आई? तो वो भी फिर सबका होता है मृत्यु की तरह। धन्य है वो लोग जो मृत्यु को उन्होंने अंगीकार किया है अपने जीवित रहते हुए, और सौभाग्यशाली है वो लोग जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ऐसे मानव के साथ रहते हैं। तो लोग कहते हैं श्री माता जी, हमारे सहजी कहेंगे श्री माता जी हमें श्री गणेश के गुण दे दो, हमें कृष्ण जी के गुण दे दो, फला 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 फला। मैं कहूंगा माँ, सारे देवी देवताओं के गुण एक ही चीज में समाए हैं, मृत्यु में। मृत्यु का गुण दे दो ना, सब सारे देवी देवता इसी में समाए हुए हैं। जो मृत्यु का एहसास के गुण है वो दे दो बस, ऑटोमेटिकली सारे देवताओं का प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। है ऐसा संभव? चिंतन करके महसूस कर सकते हो? और जरा सोचो मृत्यु की शख्सियत कितनी ऊंची है, पर कितनी ऊंची शख्सियत की मालकिन है मृत्यु। कैसे? इस मृत्यु ने अवतारों के प्राण भी हरे हैं, तो इससे ऊंचा कोई नहीं हो सकता। इस मृत्यु ने अवतारों के प्राण भी हरे हैं, कोई है इससे ऊंचा? बताइए, इस लोक में इससे ऊंचा कोई हो सकता है? तो क्यों ना सर्वोच्च जो अस्तित्व की मालकिन है उसके साथ मित्रता की जाए, सारे देवी देवता तो वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और मृत्यु आपको आशीर्वादित करेगी, हे वत्स, तुमको निर्भयता का वरदान देती हो। और जो मृत्यु को धारण करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। जो 24 आवर्स मरने को तैयार रहे, क्या उससे शक्तिशाली कोई धरती पे मानव हो सकता है? लोग शक्ति मांगते हैं, लोग सिद्धियां मांगते हैं। आप एक बार सहज हृदय से मृत्यु को स्वीकार कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके साथ आ जाएगी। है नहीं ताकत मृत्यु? कितनी बड़ी ताकत है! इसने किसी भी ऊंचे से ऊंचे, बुरे से बुरे, साधारण से साधारण,
असाधारण से असाधारण, सभी मनुष्यों के प्राण हरे हैं, इससे ज्यादा ताकतवर है कौन बताओ? है कोई? मतलब कितना सम्मान दिया है अवतारों ने भी से, हे मृत्यु चलो। अब राम जी ने भी कहा होगा आओ मृत्यु मेरे प्राण ले जाओ, कृष्ण जी ने भी कहा होगा, बुद्ध ने भी कहा होगा, महावीर जी ने भी कहा होगा, सदगुरुओं ने भी कहा होगा। तो कितनी सम्माननीय है मृत्यु, ये मतलब कितनी आदरणीय है, कितनी सम्माननीय है, कितने ऊंचे पद की स्वामिनी है मृत्यु, ये सोचने की बात है। और देखो जिस मृत्यु ने किसी भी अवतार के प्राण लिए, वो हमारे भी प्राण लेने आई, तो हमारा तो ओहदा बढ़ गया ना, ऊंचा हो गया ना, हम भी उसी कतार में आ गए। तो मृत्यु को देखो, मृत्यु से ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेटिंग इस धरती पे कोई नहीं हो सकता, तीनों लोकों में मृत्यु से ज्यादा समभाव वाला कोई नहीं होता। ये ऊंचे से ऊंचे के प्राण लेती है और नीचे से नीचे के प्राण लेती है, कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। यदि भेदभाव ना करना सीखना हो तो मृत्यु से सीखो, सबके लिए समान है, और कभी अहंकार नहीं करती, कभी हमसे आके कहती नहीं देखा मैं परशुराम के प्राण लेके आई हूं, कभी नहीं कहती, विनम्रता के साथ आती है, पहले इतने संदेश भेजती है, ऐसा नहीं कि सडनली आ जाती, बता देती है थोड़े समय पहले, अज्ञानियों को कुछ सेकंड पहले बताती है और ज्ञानियों को सालों पहले बता देती है, समझ लो इस बात को। पूछो क्यों? जो ज्ञानी होते हैं उनकी तो दोस्ती है मृत्यु से, बता देगी मृत्यु को कब आना है। अब जिनकी दोस्ती नहीं है उन्हें कैसे बताए, बताओ उन्हें कैसे बताए? अगर उन्हें बता देगी तो डर के मारे पहले ही कांपते हुए बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी, सामान्य जीवन में उनका खत्म हो जाएगा। तो मृत्यु आने से पहले अज्ञानियों को कुछ नहीं बताती, सडनली आ जाती है, ज्ञानियों को तो बरसों पहले बता देती है कि ठीक है आऊंगी, क्योंकि वो तो इनवाइट करते हैं, मृत्यु मृत्यु कब आ रही है, चाय पे आ जा, टी टाइम पे आ जाओ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे ज्ञानी लोग। तो मृत्यु कहेगी नहीं अभी मैं बिजी हूं, मैं उस दिन आऊंगी, अभी नहीं आ सकती, तो ये स्थिति है। समझ में आ रही है कुछ मेरी बातें, अजीबोगरीब सी? आज की जो सेशन है बड़ी समस्या खड़ी करेंगे सहजीवियों के बीच में, ये और कुछ के हृदयों को तो आनंद से भर देंगे, कुछ ये कहेंगे हमें वो रहस्य मिल गया जिसको हम 20-20 साल से खोज रहे थे, ये प्रसन्न रहने की कुंजी है, 24/7 कैसे आप प्रसन्न रह सकते हो, ये वो शक्ति है जिसको आपने आत्मसात किया, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे, कभी मुंह लटका नहीं मिलेगा, कभी उदास नहीं मिलोगे, चाहे आपके अपने ने जिसे आप बहुत प्रेम करते हो छलनी ही क्यों ना कर दिया हो आपके हृदय को, तब भी आपका मुंह लटका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मैं तो कुछ ही पल का मेहमान हूं, ना जाने कब आवाज आ जाए, तैयारी तैयार है, बैग पैक हुआ रखा है, क्या लड़ूं क्या किसी से झगड़ा करूं। और एक बात और बता दूं, मृत्यु को धारण करने वाला मानव संघर्षशील होता है, असत्य के खिलाफ 2400 घंटे संघर्ष करता है, वो वास्तव में वही शूरवीर है, वही वॉरियर है श्री माता जी का, वही सैनिक है हकीकत में, क्योंकि असत्य को क्यों स्वीकार करे। अरे जब मृत्यु धारण कर ली
समझ लिया मृत्यु को, तो फिर असत्य को बर्दाश्त क्यों करें, किसी की दमन को क्यों सहे, किसी के डोमिनेंस को क्यों सहे, किसी की गुलामी क्यों करें, है ना। ताकत कितनी, अदम्य ताकत, अनंत ताकत का स्वामी होता है वो, उसे कोई नहीं डिगा सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता, इतनी ताकतवर है। क्योंकि मृत्यु से ताकतवर तो इस धरती पे कोई है नहीं, और आपने अपने हृदय में उसे स्थान दे दिया, तो उसके सारे गुण आपके अंदर आ गए, आप भी शक्तिशाली हो गए, उसी की तरह आप ताकतवर हो गए। है नहीं मजेदार बात। अगर आज ये बातें समझ में आ जाएं आपको डर जरा सी भी, तो खोने के डर से भयभीत मत रहना, क्योंकि खोने को यहाँ कुछ है नहीं, हम यहाँ केवल पाने आए हैं, खोने को कुछ नहीं है यहाँ पे, और यही पाने आए थे जो पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ पाना भी नहीं था। हमारी चेतना निर्भयता के साथ इस मानव जीवन के साथ बनी रहे, बस यही पाना था, सो पा रहे हैं, बाकी कुछ रहा क्या कोरे को। जिसके साथ मृत्यु का सानिध्य है, उसे ना रोटी की टेंशन है, ना छत की टेंशन है, ना वस्त्र की टेंशन है, ना किसी टारगेट की टेंशन है, ना एम को पूरा अधूरा करने की टेंशन, कुछ नहीं है, वो तो मुक्त है, एकदम मुक्त। कितनी बड़ी शक्ति इसके अंदर छुपी हुई है, कितना बड़ा एक एहसास। हो गए ना अमर, बैठे बैठे अमर हो गए यहाँ पे जूम सेशन में, महसूस हो रहा है, फ्री फंड में 10 रुपए खर्च नहीं किए, 10 रुपए का डेटा नहीं लगा होगा, हो गए अमर। अब जरा सोचो, मृत्यु के साथ आनंद के साथ रह रहे हो, तो लालच किस चीज का है, एक्सपेक्टेशन किससे, किसकी, क्यों, किस लिए है, काहे की एक्सपेक्टेशन, किसकी इच्छा, समाधान ही हो गए, रोटी नहीं मिलेगी तो भूखे सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा इस चीज का। और मृत्यु आपको हर प्रकार के प्रेशर से मुक्त कर देती है, किसी प्रकार का प्रेशर आपकी खोपड़ी पे नहीं है, क्योंकि कोई आपको डरा ही नहीं सकता, आप ही डरा दोगे उसे ये बातें कर करके। अब मेरी बातों से बहुत से सहजी बेचारे डर भी रहे होंगे, क्या यार ये कोई टॉपिक है, सीमाताई की बातें कर लो, क्या मृत्यु की बातें लेके बैठ गए, वैसे ही दिल धड़ 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 कर रहा है। मैं पूछूंगा अच्छा धड़क किस प्रकार के रहा है बताओ, यहाँ धड़ धड़ हो रही है, मैं कहा भाई सेंट्रल हार्ट खुल गया है, लड्डू बांट दो, अनंत चक्कर चल गया है, कभी तुम इस चक्कर में पड़ लो, आप ये भी बताओ। पूछ सकते हो, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? आप ये बहुत पूछते हो, डर तो नहीं लग रहा? अब डर के मारे हृदय चक्र धड़कने लगा, पता लगा अनंत खुल गया, 20 साल से नहीं खुला था, 1 मिनट में खुल गया मृत्यु के भय से। मैं कहूंगा लड्डू बांट दो भाई, हृदय चक्र चल गया आपका, ये मृत्यु को आत्मसात करते ही 100% हृदय चक्र चल जाता है, 100%। पर ये आप बहुत स्वीकार नहीं, जरूरी है। आप स्वीकार नहीं करते, इसलिए हृदय चक्र बंद रहता है, जैसे आप स्वीकार करोगे अपने शरीर की मृत्यु, 1 मिनट में चलना शुरू हो जाएगा, अजमा के देख लो कभी भी। तो जिए भी सहजी जिनके हृदय चक्र बंद है, ये मेरी बात अजमा के देख लें, 10 मिनट का चिंतन करें मृत्यु का कि बस मैं मरने वाला हूं, बिना डरे स्वीकार कर रहा हूं,
आप 100% बता रहा हूं सेंट्रल आर्ट चक्र खुल जाएगा पक्का। भैया, लेकिन अगर स्वीकार्य तो होता नहीं है, उनको तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम सहज युग में आ गए, फिर हमारे को ये बीमारी क्यों हो गई, हमारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, हमें तो इस क्यों का जवाब दो कि हम सहज योग कर रहे हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हें फायदा क्या हुआ, तुम्हारा तो इतना सब कुछ हो गया सहज योग करने से भी। मैंने बोला तुमको अब क्या बोले। नहीं तो मेरे जैसा इंसान तो कहेगा अरे क्या मिला, यही तो मिला।